है नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक एफिशिएंसी चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों कल रात को आप लोगों को बता दूं जिसका इसका मोनेटाइजेशन ऑन है चैनल का, तो यूट्यूब चैनल जिसका इसका मोनेटाइजेशन यहाँ पर हो गया है या होने वाला है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, वो लोग का एक मेल यहाँ पर आया है। उस मेल में मेंशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का जो है 24% आपका अर्निंग से यहाँ पर जो है डिडक्ट कर लेगा। 24% क्या है, कैसे यहाँ पर डिडक्ट कर लेगा वो आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह यूट्यूब का रिलेटेड आप लोगों को वीडियो लेके आता हूँ, सो लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो 24% यहाँ पर जो डिडक्ट करेगा, इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप क्या है आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को हेल्पफुल जरूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जो 24% यहाँ पर कट लेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 100 रुपया में 70 रुपया हम लोगों को यूट्यूब देता है, 30% या 40% कट लेता है। उसके बाद जो हम लोगों को मिलता है यहाँ पर जो है हम लोग से यहाँ पर जो है 24% फिर से कट लेगा टैक्स का हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग बता दें, जो US का जो यहाँ पर जो बंदा है, यहाँ पर जो US में उसका वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलता है, उन लोगों का यहाँ पर जो बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, उनका जो है यहाँ पर चैनल का यहाँ पर जो अर्निंग है 24% लोग कटेगा ही कटेगा, ठीक है। जिसका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, तो इंग्लिश चैनल में भी यहाँ पर आप लोगों को कटेगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लोग जो है यहाँ पर बाहर देशों में देखता है, US में देखता है, ठीक है। तो हिंदी चैनल वालों को यहाँ पर आप लोग पता दूँ, उन लोगों का थोड़ा टेंशन यहाँ पर कम लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ के वीडियो बताएंगे कैसे आप लोग जो है रिव्यूज कर सकते हो, आपका टैक्स को यहाँ पर जो है कम देना पड़ेगा, ऐसा आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग बता दूँ फ्रेंड्स, यूट्यूब भी अभी लालची हो गया है, ठीक है, मतलब पैसा कटना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या बोलूँ अभी, यूट्यूब को करना चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों का मर्जी अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत चैनल हो गया अभी, फेक चैनल भी हो गया है, फेक रिव्यू फेक यहाँ पर जो है न्यूज़ देके पैसा अर्निंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यूट्यूब ये सब कर रहा है होगा शायद, मुझे लगता है। तो आप लोगों को बता दूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं, ये देखिए मई महीना 31 से पहले आप लोगों को ये जब फॉर्म फिलअप जो आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अप्रैल महीने से यहाँ पर टैक्स करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लोगों को मेल आया होगा, आपका मोनेटाइजेशन है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपका जो एडसेंस अकाउंट है यहाँ पर गूगल में जाके वो आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मेरा एडसेंस अकाउंट को, देखिए यहाँ पर जो एडसेंस अकाउंट है वहाँ पर आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैनेज टैक्स इन्फो, जिसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के साथ साथ आप लोगों के पास यहाँ पर मेंशन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो टैक्स का यहाँ पर एक फाइल आप लोगों को इनपुट करना पड़ेगा। तो ये देख के आप लोग चौक मच जाइएगा, ठीक है। ऐड टैक्स इन्फो में क्लिक कर देना है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स एकदम, यहाँ पर देखिए डिटेल्स पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों के सामने फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप यूनाइटेड स्टेट इन्फो है ना, यहाँ पर इंडिविजुअल में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर इंडिविजुअल किस लिए क्लिक कर देना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखिए आपका ये जो बिजनेस अकाउंट है, तो आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल क्लिक करना है, ठीक है। इंडिविजुअल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला हो या नहीं हो, तो आप लोग यहाँ पर जो है आप दे दीजिए, इंडियन है तो नो कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को ध्यान से यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो US का यहाँ पर W8 टैक्स फॉर्म जो है ना, तो इसमें आप लोग को जो है सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नीचे वाला जो है आप यूनाइटेड स्टेट का है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर का आप लोग सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक जो है फॉर्म दोबारा से और एक यहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को बहुत सारा डिटेल्स आप लोग का भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला आएगा, DBA में आप लोगों का जो यहाँ पर कंपनी नेम देना पड़ेगा, कंपनी नेम आप लोगों का चैनल का नेम नहीं होगा, आप लोगों का कंपनी का चैनल है तो आप लोग कंपनी का नेम दे सकते हो या छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है वो। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए आपका सिटी कंट्री, उसके बाद फॉरेंटीन, तो ये फॉरेंटीन क्या होता है फ्रेंड्स आप लोग बता दूँ, आप लोगों का US में फॉरेंटीन नंबर है जो आप लोगों को देना होगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का जो इंडियन का जो यहाँ पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड देना पड़ेगा।
पैन कार्ड नंबर का देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का एड्रेस जो है आप लोग यहाँ पर दे दीजिए। एड्रेस देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो है और एक स्टेप यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। आपका आप सिटी, पिन कोड, आपका जो एड्रेस है वो दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को देखिए इस टाइप का आप लोगों को नज़र आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ईएस में क्लिक कर देना है। ईएस में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर जो है इंडिया सिलेक्ट करना है, आपका जो कंट्री है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को जो है नीचे यहाँ पर देखिए कौन सा सर्विस आप यहाँ पर गूगल एडसेंस का यूज़ करते हो, तो मैं तीनों यूज़ करता हूँ, तो तीनों ही आप लोग दे दीजिए, कभी ना कभी तो यूज़ करना पड़ेगा ना यहाँ पर एडसेंस का। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉपीराइट होने से आप लोग का पैसा काटेगा, वो भी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ वन, उसके बाद यहाँ पर देखिए जीरो कर दीजिए। उसके बाद नीचे का जो आर्टिकल टू यहाँ पर जो है उसमें आप लोग को 15% करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को आर्टिकल थ्री है ये 12 पैराग्राफ टू ए लिखा ना, उसमें भी आप लोग को 15% रिड्यूस करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जो है और भी डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप जो आप लोग कर दिया हूँ यहाँ पर दिखा रहा है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पर। उसके बाद आई कन्फर्म में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को लीगल सिग्नेचर मतलब आपका नाम यहाँ पर जो है यहाँ पर दे दीजिए। मैं यहाँ पर आपका मेरा नाम यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। आपका नाम यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर ईएस में आप लोगों को क्लिक कर देना है, आपका सिग्नेचर खुद का है तो, ठीक है, नहीं तो दूसरा आपका होके कर रहा है और नो कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो पेमेंट आप पहले बार ले रहे हो तो ऊपर का सिलेक्ट कीजिए, ये बहुत बार आपका पेमेंट आया है इस एडसेंस में, तो आप लोगों को नीचे का सिलेक्ट करना है आई एम प्रोवाइडिंग उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो यहाँ पर देखिए टैक्स आप पे करते हो यूएस का, तो आप लोग ईएस कर सकते हो, ये आपका यूएस का नहीं है देते हो तो आप लोगों को नो कर सकते हो। चेंजेस में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी घबराने का ज़रूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं है यहाँ पर घबराने का। कुछ सेकंड में आप लोगों का यहाँ पर अप्रूव हो जाता है जो फॉर्म है W8BEN, ठीक है, क्लेम्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों का सब कुछ दिखाएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से बता सकते हो। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस तरह वीडियो को लेकर आता हूँ हमेशा। मैं भी तो दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।